वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल सबनों धर्म प्रचार वालों। आज मैं आपके लिए विरासत खालसा की वीडियो लेके आया हूँ, जो कि अनंतपुर साहिब में है। मैं पहले भी एक दो बार विरासत खालसा लेके गया हूँ, बट इस बार मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए भी बनानी चाहिए, जिससे आप लोगों को पता लगे कि विरासत खालसा जो म्यूज़ियम बनाया है उसके अंदर क्या क्या है, कैसे वो दिखता है, क्यों बनाया गया है। तो इसके लिए मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेके आया हूँ। आप वीडियो देखो, मुझे बताओ कैसी लगी, कमेंट करना मत भूलना। जैसे ही आप गेट से अंदर घुसते हो, पहले ही आपको जो जितनी भी सारी पेंटिंग्स वगैरह दिखेगी दीवारों पे, वो सब हाथ से बनाई गई है। उसके बाद आप देखोगे कि जो लाइट्स है वो भी सब पेपर लाइट्स है, मतलब जो बनाया गया है वो कुछ और ही सोच के बनाया गया है। वो मतलब इतना आसान नहीं होता ये सोचना, ऐसा चीज़ें बनाना। और अगर आप इस चीज़ को अनुभव करोगे तो ये आपके लिए बहुत मतलब अलग ही लेवल है। आपका जो मन है ना, वो अंदर से होगा, यार ये चीज़ें क्या देख रहा हूँ मैं। और ख़ासकर ये चीज़ें पंजाब में, समझ रहे हो आप। और देखो आप, एक ओंकार क्रिस्टल के अंदर इन्होंने बनाया हुआ है। फिर पेंटिंग्स, मतलब जो मन है ना वो एकदम खुश हो जाता है। मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों का मन जो है वो अच्छा हो रहा होगा मेरी वीडियोस को देख के, क्योंकि देखो वीडियो यहाँ पे बनाना वैसे बैन है, बट मैंने परमिशन लेके वीडियो बनाई है, इसलिए मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर आप लोग भी चाहो वीडियो बना सकते हो, बट आपको परमिशन लेनी होगी। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप लोगों ने देखा है तो और लोगों को लेके आओ, उनको भी दिखाओ, पता लगे कि यार ये चीज़ भी हो सकती है। मतलब जो चीज़ें इसके अंदर बनाई गई है वो अलग ही लेवल की है। जो आप देख रहे हो बेसिकली ये इंसान की तरह दिखने वाली चीज़ है, इसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक मैनिकिन। तो इसमें मतलब आपको हूबहू अनुभव होता है जैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह होता है। तो इनको इस तरीके से बनाया गया, आप इनके साथ अगर आई कॉन्टेक्ट करोगे आपको लगेगा कि ये आपसे बातें कर रहे हैं। वही जी, ये जो आप देख रहे हो ये हैंड पेंटेड कटआउट है। मतलब देखो आप कितना मतलब बेटर वे में बनाया गया है। और अब इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ जो वहाँ पे रोबोस्टिक लगा है, छोटा सा सिमुलेशन मशीन है, वो आपसे बात करिए आई कॉन्टेक्ट वे में। मुसलमान सारे पंजाब उत्ते राज करना चाहते हैं, इस धरती नु खाना जंगी तो कौन बचा सकता है? हिंदुओं सिखों, आज साड़ी धरती मां साडे लहू दी लोड़ है। अब जाते जाते मतलब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, देखो दोस्तों मैं वीडियो जरूर दिखा रहा हूँ, बट जो इसका अनुभव है ना वो आपको यहीं आके आएगा। तो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप अनंतपुर साहिब आ रहे हो, या आप नंगल डैम जा रहे हो, या कहीं पर भी आसपास जा रहे हो, तो आप ज़रूर विरासत खालसा आओ, इस जगह को अनुभव करो। मतलब जो आप देखोगे ना उसको आपको अलग ही फील आएगा, अलग ही एहसास होगा आपको कि आप यार ये चीज़ हम देख रहे हैं और ये हमने आज तक नहीं देखी। तो अभी जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं कुछ उनका भी मैंने रिव्यू लिया है, वो भी आप देखो। मतलब वो भी इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि आना चाहिए और अनुभव करना चाहिए चीज़ों का। आओ उनके रिव्यू सुनते हैं। मैं यही संदेश दे रही कि हर सिख फैमिली को विरासत ए वाला जरूर देखना चाहिए। आनंदपुर साहब अपने बच्चों भी लियाओ ताकि बच्चों को पता चले कि साडा इतिहास की कहता है। इस करके मैं चाहनी हाँ कि सारी संगत, सारे सिख फैमिलिया अपने अपने बच्चों को लैके जरूर बार जरूर आन, ताकि बच्चों को पता चल सके कि साडा इतिहास की है। अपने परिवार समेत इधर आनंदपुर साहिब गुरु के दर्शन भी करो, अपने बच्चों परिवार नु अपनी नवी पनीरी नु अपने इतिहास दे बारे जागरूक कराओ, ताकि उन्होंने पता चल सके असी किन्नी शानदार खालसा विरासत दे खालसा विरासत चीज बहुत वधिया बनाई है, जिसने भी बनाई है बहुत वधिया। चलो जी, ए ते सी दिल्ली दी संगत ते सानू इजाजत दो।